आकाशवाणी है। आज रात रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पार्थ बोस। मैहर घराने के श्रद्धेय गुरु पंडित मनोज शंकर की छत्र छाया में आपने सनातन गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 5 दशक संगीत साधना की है। विश्व भर में आपकी मनमोहिनी प्रस्तुतियों ने आपको शास्त्रीय संगीत जगत में अग्रणी व बेहतरीन सितार वादक का दर्जा दिया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेट कलाकार पार्थ बोस को तबला किंवदंती पंडित किशन महाराज की संगत का एक बेहद विरल और सुनहरा अवसर हासिल है, जो उन्हें कोलकाता में आयोजित एक खास कार्यक्रम के दौरान साल 2006 में प्राप्त हुआ था। गौरवपूर्ण निखिल बंदोपाध्याय मेमोरियल पुरस्कार और संगीत रत्न व वाद्य शिरोमणि जैसे खिताबों से सम्मानित पार्थ बोस को 1998 में भारत की स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती के ऐतिहासिक मौके पर अफ्रीकी देशों में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का सुअवसर भी मिला। आपके साथ आज रात तबले पर संगत करेंगे उस्ताद साबिर खान। सितार वादन के इस कार्यक्रम में कलाकार पार्थ बोस की पहली प्रस्तुति राग श्याम कल्याण। पेश है आलाप जोड़ और झाला, तदुपरांत 3 ताल में निबद्ध विलंबित एवं मध्य लय गत। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पार्थ बोस। 5 decades ऑफ संगीत साधना इन द ट्रेडिशनल गुरु शिक्षा परंपरा under revered guru Pandit Manoj Shankar of the Maihar Gharana, and prolific performances across the globe has helped Partha Bose occupy a distinguished position in the world of classical music as a leading sitar artist. An A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Partha Bose has a rare distinction of being accompanied by tabla legend Pandit Kishan Maharaj in a special performance at Kolkata in 2006. Recipient of the prestigious Nikhil Banerjee Memorial Award and titles of Sangeet Ratna and Vadya Shiromani, Partha Bose was invited by the Government of India to represent the country in African countries on the historic occasion of Golden Jubilee of India's independence in 1998. Tonight, Partha Bose is accompanied on the tabla by Ustad Sabir Khan. He begins his sitar recital in rag Shyam Kalyan with Alap, Jor and Jhala, followed by Vilambit Gat and Madhyalaya Gat, set to Teen Tal. Thank you.
Thank you.
Thank you.
अभी आप राग श्याम कल्याण में सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार पार्थ बोस अब पेश करेंगे राग जोग। आलाप और गत झप ताल में एवं द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। That was राग श्याम कल्याण। पार्थ बोस नाउ प्रेजेंट्स राग जोग विथ आलाप एंड गत सेट इन झप ताल फॉलोड बाय द्रुत गत इन तीन ताल। Thank you.
अभी आपने राग जोग में सितार वादन सुना। कलाकार पार्थ बोस आज के कार्यक्रम का समापन राग मिश्र पीलू से करेंगे, जिसमें आलाप और रचना अद्धा ताल और गत तीन ताल में निबद्ध है। That was Rag Jog. Partha Bose concludes his sitar recital in Rag Mishra Pilu with alap and composition set in Adha Tal, followed by Gat in Teen Tal.
आप सुन रहे थे राग मिश्र पीलू में सितार वादन। कलाकार थे पार्थ बोस। आपके साथ तबले पर उस्ताद साबिर खान और तानपुरा पर देवाल मुखोपाध्याय संगत कर रहे थे। इसके साथ ही आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा समाप्त होती है। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन आकाशवाणी कोलकाता के प्रसारण कक्ष में किया गया था। That was Rag Mishra Pillu. You were listening to a sitar recital by Partha Bose. Ustad Sabir Khan accompanied him on the tabla, and his Tanpura accompaniment was by Debal Mukhopadhyay. With this presentation, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. This program was recorded at the studios of All India Radio, Kolkata.